हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की उपमा। इसे हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये जितना बनाने में ईजी है, ये डाइजेस्ट करने में भी उतना ही हल्का होता है और ये पौष्टिक भी बहुत होता है। तो इसके लिए हमने ले लिए आलू, हमने महीन महीन काट लिया, प्याज महीन महीन काट लिया, हरी मिर्च, करी पत्ता और दाल। तो यहाँ हमने ले लिए कढ़ाई और इसमें हम डाल रहे हैं तेल। इसमें अब हम इसमें डाल रहे हैं राई, अब इसमें हम डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हमने काट के रखी थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, रेड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, हल्का सा गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम आलू को पकने के लिए 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आलू तो हमारे पक गए हैं, ये अच्छा रंग आया है। तो अब हम इसमें ये चना दाल डाल रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं सूजी। अब हम इसे चलाएंगे और इसे हम भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। ये हल्की ब्राउन हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी इसका रंग। उसके बाद हम इसको इसमें दही डालेंगे। देखिए गाइस, तो इसमें कितना अच्छा ये रंग आ गया है, हमारी सूजी ये प्रॉपर सिक गई है। अब हमने ले लिया दही, ये थोड़ा खट्टा होगा तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसमें ये डाल देंगे दही और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पहले हमने सिर्फ आलू का डाला था नमक, तो अभी सूजी और दही का नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम सीरे में पानी देके उसे चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, और उसे गाढ़ा होने देते हैं। ऐसे हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रेप्स करेंगे, नहीं तो नहीं ये नीचे में बैठ जाता है और गुलेथे बन जाते हैं। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है काफ़ी। बस ये तैयार हो गया है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे प्लेट में डाल रहे हैं। Enjoy a healthy breakfast.